अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ तफज्जुल हुसैन, आप लोग देख रहे हो टीएल गैलरी। आज हमारे चैनल पे इतना बढ़िया एक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जो रेसिपी ये आसामिस रेसिपी भी कह सकते हो, मटन रेसिपी, मटन कारी भी कह सकते हो। यही कारी हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा तक देखिए और किस तरह बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। चलो अभी वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैरिनेट किया हुआ है आधा किलो यानी 500 ग्राम ये मटन रखा हूँ, बकरा का गोश्त 500 ग्राम है। दही इसका आधा देंगे यानी लगभग 75 ग्राम हम लोग यूज़ करेंगे दही। तो लहसुन मैं हिसाब से काट लिया, बना लिया, इसके ये दिया और थोड़ा ज़्यादा दिया। अदरक इतना हिसाब से थोड़ा सा कम दिया, ज़्यादा मसाला नहीं दूंगा। 3 तेज़पत्ता ले लिया, को दालचीनी दो अपने हिसाब से, और लौंग ले लिया 5, काली मिर्च ले लिया 5, इलायची ले लिया 5। तो अभी धनिया पत्ता अपना हिसाब से ले लीजिएगा, ये ले लिया धनिया पत्ता, आगे पीछे दो बार मैं दूंगा। तो हरी मिर्च ले लिया 3 पीस अपना हिसाब से, मेरे हिसाब से उतना तीखा तो हम लोग खाता हूँ ये वो मिर्चा ले लिया। फिर पाउडर मिर्चा, रेड चिल्ली का मिर्चा पाउडर भी यूज़ करूँगा, ठीक है। धनिया भी दे दूँगा दोस्तों, धनिया जो है वही मैं छोटा समझ से अपने हिसाब से धनिया ले रहा हूँ, ठीक है, इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे। जीरा ले रहा हूँ, जीरा का पाउडर भी हमारे पास है इसलिए उतना ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये जीरा ले लिया। अब ये मेहरान है, ये हर कोई मसाला है, ये मसाला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, ये मसाला हम लोग यूज़ करेंगे। हल्दी भी है, हल्दी भी अपना हिसाब से देना पड़ेगा। चलो वो सब अपना हिसाब से ही दे दूँगा, आप भी अपना हिसाब से यूज़ करोगे, ठीक है। नमक भी तो बाद में पड़ेगा, अभी चलो दूसरा स्टेप में। सबसे पहले हम लोग तेल ले रहा हूँ, तो तेल गर्म हो चुका है, अभी हम लोग प्याज दे रहे हैं। देखो प्याज अभी ब्राउन कलर हो चुका है, अभी हम लोग डाल देंगे यहाँ पे मटन। अभी हम लोग दे रहे हैं मटन, एक मिनट के लिए ढक देंगे। एक मिनट हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पे दही डाल देंगे। तो दही इसमें, हाँ अभी हम लोग दही मिक्स कर दिया, वेट करके इसको अच्छे से पकाएंगे कुछ टाइम। तो दोस्तों 4-5 मिनट बाद आपको ये देखिए पानी, भूस का जो पानी है वो सूख गया है, अभी हम लोग क्या देंगे उसी पे दे देंगे। तो अदरक लहसुन और जो कारे मसाला है उसका पेस्ट अभी यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, उसका पानी भी जो है वो मिक्स कर दिया। फिर पकाएंगे 3 या 4 मिनट तक, इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से, इसके बाद मसाला ऐड कर देंगे। तो अभी यहाँ 4-5 मिनट हो चुका है, ठीक है, अभी यहाँ ऐड करूँगा ये मसाला। ये मसाला आपको ये देखिए मिक्स मसाला है, ये भी मेहरान मसाला है, ये हरी मिर्ची 2 ले लिया, लौंग इलायची आपको 5-5 दाना करके दिया हूँ, ये थोड़ा सा आपको लहसुन मसाला, फिर ये आपको जीरा मसाला, ये आपका धनिया मसाला, ये आपको रेड चिली पाउडर, ठीक है, ये हल्दी मसाला आधा चम्मच, हमें इतना ज़्यादा नहीं, ये पूरा ऐड कर दिया। फिर ये धनिया है, ये धनिया भी, फिर लास्ट में और एक बार धनिया दूंगा। अभी देख सकते हो कलर कितना बढ़िया से आया, अभी काला मसाला सब कुछ दे दिया, अभी इसको अच्छा से भूनेंगे, भूनने के बाद इसको और इस तरह उसको पकाने के बाद 4-5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सॉरी, ये स्वाद अनुसार नमक, ये मटन रेसिपी इस तरह बना करके आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मस्त लगेगा। अब देखिए बहुत स्वादिष्ट हो रहा है, तो इसको और थोड़ा टाइम पकाएंगे, इसी के लिए थोड़ा पानी ऐड कर रहा हूँ, गर्म पानी थोड़ा ऐड कर, बस ज़्यादा नहीं दूँ, ठीक है, यही पानी जब तक ना सूखे तब तक उसको उबालते रहूँगा। लोग देखते रहिए, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो दोस्तों एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।
अभी इसको रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, धीमी आंच में रख दूंगा 10 मिनट के लिए, धीमी आंच। तो दोस्तों 10 मिनट हो चुका है, फिनिश टाइम है, अभी उतार दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं। देखिए कैसा हुआ है कलर, वाह बहुत मस्त हुआ है ना, धनिया देखे उसका ऊपर एक बार। अभी इसको 2-1 मिनट बाद हम लोग बंद कर देंगे। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया से हुआ है ना, एक टेस्ट करते हैं, ठीक है एक टेस्ट करते हैं यही बोटी, मस्त हुआ।